हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 25 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप एज शोन इन द फिगर। फिगर पहले से इसमें दिया हुआ है और इसका दो पार्ट है जिसको हमको फाइंड करना है। वो पहला है द एरिया ऑफ डेड पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, और दूसरा पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले से एक स्क्वायर शेप का फील्ड है जिसमें एक घोड़े को बांधा जाएगा, और कहाँ पे? कॉर्नर से, यानी कि जो भी एक रस्सी होता है, रस्सी का जो दूसरा एंड होगा उसको हम क्या करेंगे, यहां पर कॉर्नर से बांधेंगे। और इसका पहले शुरू में कह रहे हैं कि पहले पार्ट में वो क्या है, 5 मीटर लेंथ है उसका। कितना है? 5 मीटर का लेंथ है। यहां पर हम लिख देते हैं 5 मीटर। ठीक है, अगर 5 मीटर का लेंथ है तो वो कितने एरिया के घास को वो खा सकता है, तो यानी कि ये इस फॉर्म के एरिया को खा सकता है, यानी कि यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सेक्टर फॉर्म हो रहा है, उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि पहले से ये दे रखा है कि जो फील्ड है वो किस शेप का है, स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो यहां पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्वाड्रेंट भी हो गया, 1/4 ऑफ द सर्कल हो गया, या फिर अगर हम एंगल लगा के बना सकते हैं तो वहां पर 90/360 कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में, अब पहले पार्ट में तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर 5 मीटर के बजाय हम क्या करते हैं, 10 मीटर का लेंथ कर देते हैं रोप का, तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा। 10 मीटर रोप होने की वजह से कितना एरिया होगा ये नहीं पूछ रहा है, उसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है वो पूछ रहा है। जैसे कि अगर हम ये 5 मीटर है उसके बदले अब अगर हम 10 मीटर करते हैं तो ये जो होगा एरिया इतना कवर होगा, ये भी क्या बन रहा है, सेक्टर ही बन रहा है। ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा वो हम 10 मीटर अब लेंगे। ठीक है ना, अब कितना लेंगे, 10 मीटर लेंगे, तो इंक्रीमेंट एरिया का कितना हुआ, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है वही क्या हुआ है, इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया के लिए हमको क्या करना होगा, पहले पार्ट में तो हम छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकाल चुके होंगे, दूसरे पार्ट में हमको क्या करना होगा, जो बड़ा वाला सेक्टर उसका एरिया निकालेंगे, और जो हम पहले से निकाले हुए हैं सेक्टर का एरिया छोटा वाला उसको हम माइनस कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में हम लोग पहले पार्ट को करेंगे, तो पहले पार्ट में हमको क्या गिवेन है, ठीक है, गिवेन है लेंथ ऑफ रोप, यानी कि यही हमारा क्या है, रेडियस भी है, तो लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर हो जाएगा। अगर थीटा की बात करें तो थीटा यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अब ये जो सेक्टर है, या तो हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाए, या देखिए सेक्टर का अगर फॉर्मूला भी लगाते हैं फिर भी वही हमारा निकल गया है। चलिए हम देखते हैं, जैसे थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा कितना है, 90, थीटा का वैल्यू है 90 और नीचे हो गया 360 इंटू पाई का वैल्यू पहले से दे रखा, हमको क्या रखना है, 3.14, ये हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर 90 ऊपर है, नीचे 360 है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो नीचे 4 आ जाएगा, यानी कि 1/4, और क्वाड्रेंट 1/4 होता भी है सर्कल का। ठीक है, तो यानी कि अगर हम क्वाड्रेंट जानते हैं 1/4 होता है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25। ठीक है, 4 से जब हम इसको कटाएंगे, ठीक है, तो यानी कि 2 से जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 12.5, और फिर एक बार 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, तो ये कट के आ जाएगा यहाँ पर 6.25। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। इतना एरिया अगर 5 मीटर लेंथ रहता है रोप का तो इतने एरिया तक जो घोड़ा है वो घास खा सकता है, यानी कि ग्रेज कर सकता है। अब हमको निकालना है इंक्रीज इन एरिया अगर हम 10 मीटर का रोप कर देते हैं तो। ठीक है, यहां तक नोट करिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, पहले हमको बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले यूज करेंगे लेंथ ऑफ ऑफ रोप। ठीक है, सेकेंड केस में क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ रोप चेंज हो जा रहा है, बढ़ के 10 हो जा रहा है, यही हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 10 मीटर। यहां भी थीटा कितना हो जाएगा,
थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, बिना थीटा का भी हम बना सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया। जब लेंथ ऑफ द रोप 10 मीटर हो जाएगा उस वक्त एरिया कितना होगा, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा कितना है 90 और नीचे हो जाएगा 360, पाई का वैल्यू पहले से दे रखा हमको 3.14 रखना है, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, यहाँ से कट के ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100, ठीक है, हाँ 4 ये 100 को डिवाइड करें कितने बार में, 25 बार, ठीक है, 25 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन अभी भी ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो निकाले हैं हम एरिया, टोटल एरिया, क्योंकि देखिए यहां पर हम रेडियस रखे हैं कितना 10 रखे हैं, तो पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया आ गया, इतने सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक है, हमको क्या निकालना है, केवल इंक्रीज निकालना है, तो पहले से हम छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकाले हैं, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे, तब जाके इंक्रीज इन एरिया आएगा, ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसको माइनस करके एरिया निकाल लेते हैं। चलिए बात है हम लोग लास्ट कैलकुलेशन पे, लास्ट कैलकुलेशन क्या है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला सेक्टर है उसमें से इसको हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 78.50 माइनस 19.625, ठीक है, माइनस करेंगे इसका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, इसको हम माइनस कर लेते हैं, यहां पे क्या है ऊपर 78.500 कर देंगे यहां पे 19.625, ठीक है, ये हो जाएगा 57885, ठीक है, यहां डिसमल आ जाएगा, तो हमारा आ रहा है 58.875 मीटर स्क्वायर। देखिए ये कैलकुल जो क्वेश्चन था थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था और कुछ चीज़ें हमको समझना था इसमें, ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा भी गलती हो जाता है तो हम लोग गलत आंसर ला देंगे, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाले हैं ना, हम यही इसी को समझ लेंगे कि यही हमारा आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया पूछ रहा है, तो जब भी इंक्रीज पूछता है इसका मतलब होता है कि पहले के मुकाबले कितना बढ़ा है, तो पहले से इतना तो था ही, अब कितना हो गया, इतना हो गया, लेकिन चेंज कितने का आया, केवल इतने का चेंज आया, हमारी बात को ना, तो हम बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन स्वयं आया होगा, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।